Yo, what's up people, it's your boy Super Khalsa here, the best wrestler but with bad attitude. So finally आज मैं आया हूँ सोनू सूद पाजी के पास और इनके साथ मैंने वर्कआउट किया है. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि सोनू सर के साथ एक वर्कआउट शेयर किया जाए और इनका वर्कआउट देखने के बाद मेरे हिसाब से आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद. तो सोनू सर, एक छोटा सा मैसेज आप दीजिए. जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो कुछ एक छोटा सा मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए. तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले बहुत से लोगों के मन में यही क्वेश्चन हुआ कि सोनू सूद जी का वर्कआउट रूटीन क्या है. तो आप सभी को बता दूं कि सोनू सर वर्कआउट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. सुबह 6 से लेके 8 बजे तक इनका 2 घंटे का वर्कआउट होता है अर्ली मॉर्निंग, और ये दुनिया के किसी भी कोने में हों वर्कआउट कभी भी मिस नहीं करते, और हफ्ते के 7 दिन इनका वर्कआउट होता है. कि इवन कि मैं ये सुन के शौक रह गया कि संडे को भी ये वर्कआउट अपना मिस नहीं करते. तो आप लोग इसी से जज कर सकते हैं कि ये वर्कआउट को लेके कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं. तो अभी हम पहले 1 घंटे करेंगे कार्डियो, 6 से लेकर 7 बजे तक हमारा होगा कार्डियो सेशन, और उसके बाद फिर हम अपना वर्कआउट करेंगे. तो अभी 1 घंटा लगातार हमें यहाँ पे कार्डियो करना है, फिर उसके बाद आपको मैं सीधा मिलूँगा वेट सेक्शन रूम में. तो फाइनली हमने 1 घंटे तक अपना कार्डियो जो है वो पूरा कर लिया है. अभी हम चलेंगे वेट सेक्शन रूम में, और वेट ट्रेनिंग शुरू करने से पहले हम लोग करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़े से मसल्स अपने को वार्म अप करेंगे ताकि इंजरी ना आए. आप सभी ने देखा होगा मेरी, अगर मैंने कोई भी वर्कआउट की वीडियो बनाई है तो उससे पहले मैंने ज़रूर ये स्ट्रेचिंग वगैरह की है, और इसका करने का बेनिफिट यही होता है कि आपको कभी भी कोई भी इंजरी नहीं आती. और सोनू सूद जी का भी यही प्रोसीजर है वर्कआउट का सारा. ये भी वर्कआउट शुरू करने से पहले कार्डियो के बाद अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, अच्छे तरीके से अपने बॉडी को अपने मसल्स को खोलते हैं और इंजरी फ्री वर्कआउट अपना कंप्लीट करते हैं. और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें, अपने मसल्स को अच्छे तरीके से ज़रूर खोलें ताकि आपका जो वर्कआउट हो वो बढ़िया हो और आपको वर्कआउट के टाइम कोई भी इंजरी ना आए. तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं या इस चीज़ को नहीं करते, सीधा आके वर्कआउट शुरू कर देते हैं. तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. तो अभी आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से मसल्स को हम स्ट्रेच कर रहे हैं. तो जल्दी से अपनी ये स्ट्रेचिंग और मसल्स को खोलते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वर्कआउट. सो पूरे 15 मिनट हम लोगों ने पूरा प्रॉपर तरीके से वार्म अप किया है, अपने मसल्स को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लिया है, अपने मसल्स को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना एक्चुअल वर्कआउट. और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स, और 45 मिनट्स का ये वर्कआउट सेशन होगा सोनू सूद जी के साथ. और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वर्कआउट को देखने के बाद, और मुझे भी ये वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सोनू सूद जी से. तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज लगाने वाले हैं वो है मिलिट्री प्रेस, और इसके 3 से 4 सेट लगाएंगे हम, और उसकी जो रेपिटेशन होगी वो 8 से 12 या 15 या 16 के बीच में हम रखेंगे. डिपेंड करता है वेट के ऊपर कि कितना वेट हम यूज़ करते हैं. सो जितने भी लोग वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, उनको इसके बारे में पता होगा. ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट है. जब भी मैं शोल्डर्स को ट्रेन करता हूँ तो मिलिट्री प्रेस तो ज़रूर लगाता ही लगाता हूँ. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, I slow burn like a disease. Just
Tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that. So Smith machine पे हमने अपने सारे sets जो है वो complete कर लिए हैं. अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ. तो ये हम लगाएंगे अभी फ्रंट प्रेसेस, जो कि एक डिफरेंट मशीन पे हम लगाने वाले हैं, और इससे भी बहुत बढ़िया पंप आता है मसल में. और अगर आप लोगों के जिम में अगर ये मशीन पड़ी हुई है, अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, तो आप सभी को मैं रेकमेंड करूंगा इसको ज़रूर ट्राई करें. और प्रॉपर टेक्निक में अगर जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है. Say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top, think they need replacement? तो अभी बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ. तो मेरे हिसाब से अगर आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी वन ऑफ द सबसे मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट होने वाली है. आपको हर बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जिम में पूछते हैं कि शोल्डर्स को राउंड कैसे करें. हर किसी को राउंड शोल्डर चाहिए. तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हम बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, शोल्डर्स को बहुत हैवी ट्रेन करते हैं, लाइट भी ट्रेन करते हैं, हर एक चीज़ हमने कर ली है, लेकिन जो हमारे शोल्डर्स हैं वो राउंड नहीं हो रहे. तो ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला सेट अगर आप अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं, रूटीन में ऐड करते हैं, और मेरे हिसाब से जब मैं इसका वर्कआउट करता हूँ शोल्डर का, तो ये वाली एक्सरसाइज कम से कम मैं इसके 10 सेट लगाता हूँ और 20 से 25 रेपिटेशन निकालता हूँ. और ज़रूरी नहीं कि आपने इसमें हैवी वेट यूज़ करना है, आप लाइट वेट भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस एक्सरसाइज को कभी भी मत छोड़े जब भी आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हैं. तो ये ही जो एक्सरसाइज है, इसी से आपके जो शोल्डर की लुक, जो 3D लुक निकल के आएगी और जो राउंडनेस निकल के आएगी, जो शेप निकल के आएगी, वो इसी से निकलने वाली है. और अभी जो अगली एक्सरसाइज हम लगाने वाले हैं वो है श्रक्स, और ये आपके कॉलर मसल के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. और इससे आपके जो कॉलर मसल है वो बहुत बढ़िया शेप में, और इसके भी हम 3 से 4 सेट लगाने वाले हैं, और रेपिटेशन वही सेम होने वाले हैं, 8 से 12 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट. और जल्दी से आज का ये लास्ट सेट हम ख़त्म करते हैं और सोनू सूद जी से एक बढ़िया सा मैसेज लेते हैं अपनी टीम बैड एटीट्यूड के लिए. तो कुछ एक छोटा सा मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए. बस यही सबसे कहना चाहूंगा कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, अहम हिस्सा है जिंदगी का. और जब आपको सुपर खालसा जैसे मोटिवेशनल लोग मिलते हैं, मोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू बी अ सुपर फिट गाय. सो जस्ट कीप डूइंग द गुड वर्क एंड मेक पीपल स्माइल. ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे.